और मैं आपको फ्रेंड्स के लिए भी हाँ ठीक है। फ्रेंड्स के लिए ओके काफी अच्छा है। सो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे आपको? या बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स देख सकते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। वैसे वेलकम है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम लोग आए हैं एक नए ट्रैवल टूर पर। तो आज हम लोग आए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, सिरसा मिर्ग विहार काला माटी। तो फ्रेंड्स ये ऊटी से 13 किलोमीटर और रांची से 21 किलोमीटर पड़ता है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं मिर्ग विहार यानी मिर्ग, ये यहाँ पर ये एक पार्क है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे, यहाँ खासकर तो हिरन देखने को मिलेगा, उसके अलावा क्या क्या है तो हम लोग अंदर जाकर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप लोग टू व्हीलर में आए हैं तो आप लोग को व्हीकल पार्क करने के लिए बाहर में ही जगह मिलेगा। तो पार्क से बाहर में ही आउटसाइड है रोड के इस पार, आप लोग कहीं भी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। एंड आपको टू व्हीलर के लिए 10 रुपीज़ पे करना होगा। और तो आप लोग यहीं पर अपने गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं बाहर में ही। थ्री एंड फोर व्हीलर के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा। और अंदर चलते हैं, अंदर और क्या है हम लोग अंदर जाके देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो आइए हम लोग अंदर के ऊपर प्रवेश करेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो वीडियो में बने रहें। तो अंदर घुसते आपको इस तरह का कुछ खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। तो हम लोग अंदर की ओर जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर एक मैप की तरह देख लेंगे, सामने में चिल्ड्रन पार्क, लेफ्ट की ओर शौचालय और कैंटीन, हम लोग देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसा मैं बिहार काला माटी, ये कुछ चार्जेस हैं जो है मेंशन किया हुआ है, जैसे प्रवेश शुल्क 5 रुपया, तो एंट्री फीस आप लोग को 5 रुपये पे करना होगा। तो हम लोग आगे जाइए काउंटर में एंड टिकट। तो फ्रेंड्स हमने टिकट दिया एंड हम अंदर की ओर आ गए हैं। तो एंटर करते ही आप लोग को दिखेगा सबसे पहले यहाँ हिरन यानी डियर्स, सब सामने देख सकते हैं। बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं कि सिंह। मेनली यहाँ ये पार्क इन्हीं के नाम से फेमस है, बिकॉज यहाँ का नाम ही है हिरन पार्क। स्पेशली ये हिरन इन्हीं के चलते ही यहाँ का नाम फेमस है। हम लोग आगे भी देखेंगे। आज के डेट में जैसे हम जानते हैं इनकी प्रजाति बहुत कम पाई जाती है, खासकर ये बस शोर में दिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग केव बने हुए हैं एंड अलग अलग फिशेस की, अलग अलग प्रजातियाँ की हिरन्स हैं। सो हम लोग वन बाय वन सबको देखेंगे एंड कुछ जानकारी लेंगे। तो वीडियो में बने रहें। यहाँ दो वे हैं तो हम लोग दोनों तरफ कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। झारखंड में ये पौधे यानी पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं इसे साल कहते हैं और हमारी भाषा में शखुआ कहते हैं। आमतौर ये जंगलों में बहुत पाई जाती हैं, देख सकते हैं। ज़्यादातर हिरन के अलावा यहाँ आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। जैसे आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं एक हिरन हमको दिखा है। स्टार्ट में हम लोग देखे थे उनके सिंग बड़े थे एंड ये दूसरे स्पीसीज के हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज है एंड देख सकते हैं आप लोग इस केज में डिफरेंट टाइप की हिरन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और भी हैं आगे में, आई होप आप लोग देख पा रहा होगा।
सो आप लोग देख सकते हैं बीच में शेड बना है हिरन सबके रुकने के लिए, रहने के लिए। भारत एवं श्रीलंका के जंगलों में पाए जाते वजन 50 से 85 किलोमीटर से जाने वाली बात है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी हिरन, ये भी अलग स्पीशीज के हैं और पीछे देखा डिफरेंट थी, ये डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था उनका सीन कैसा था, आप देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो। तो आप देखिए पीछे में, आई होप आपको दिख रहा होगा और मैं आपको पीछे कैमरा से दिखाता हूँ। जैसा आप लोग देख सकते हैं काफी सारी हिरन, एक छोटा सा बच्चा भी है हिरन। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, आई थिंक आधा एरिया तो हम लोग देख चुके हैं, बट एक चीज़ यहाँ के बारे में बोला चाह रहा थी, जो लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली यूथ्स, इस जगह को हम लोग ख़राब ना करें, बिकॉज यहाँ सब प्रकार के लोग, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। सो ये पब्लिक प्लेस है, सो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये कहने का रीज़न ये है बिकॉज इस जगह को एक नाम दिया गया है, ये कुछ चुने चुने लोगों की वजह से ऐसा नाम पड़ गया, इसको लवर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सो और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इस बात की गहराई को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सो ज़रूर से इस बात का ख्याल रखें। एंड आई होप आप मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात को समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये सबके लिए है, सो पब्लिक प्लेस है, तो इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए इस एरिया को एक्सप्लोर करें। सो आगे वीडियो में बने रहिए, सो आगे देखते हैं। तो बीच बीच में स्टैंड बैठने के लिए आपको प्रोवाइड की है, बीच बीच में वाटर शेड भी बनाया हुआ है, गर्मियों के दिन में पानी का बहुत टीट हो जाता है, इसलिए देख सकते हैं बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी का शीट लगा हुआ है तो पेयजल पानी पीने के लिए। तो हम लोग और एक प्रजाति को देखेंगे, इसका नाम हुआ काकड़ और ये भारत के अतिरिक्त मलय देश चीन तथा जापान में पाए जाते हैं, हम देखेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं और एक अलग प्रजाति का, ये काफ़ी बड़ा है और इसके सींग भी काफ़ी नुकीले हैं, आप लोग देख सकते हैं, और स्केच भी केवल यही दिख पा रहा है, तो मैं आपको यही कर क्यों दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए और फिर मुझे रुपया बताइएगा। सो फ्रेंड्स हमारे साथ और एक फ्रेंड जुड़े हैं एंड वो भी यहाँ घूमने आए हैं, सो हम यहाँ से उनसे यहाँ के बारे में फीडबैक लेंगे। सो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। थैंक
आपका क्या नाम है? राखी कुमारी। आप कहाँ से हैं? मैं रांची से आई हूँ। रांची से आई हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे। ओके, तो कैसा लग रहा है आप आके? प्लेस इज वेरी गुड, मतलब अभी वैसा कोई लग नहीं रहा है कि मतलब कोई कपल टाइप या फिर मतलब वैसा घूमने का, लेकिन बट ओके ओके टाइप। ओके ओके है। सो अगर यहाँ अगर हम पूछें फैमिली के बारे, फैमिली यहाँ फैमिली कैसा जगह है? फैमिलीज के लिए भी मतलब ओके है। ओके है, मतलब वैसा मतलब बोलेंगे नहीं बट फिर भी अच्छा, मतलब कैजुअल फ्रेंड्स के लिए भी ठीक है? फ्रेंड्स के लिए काफी अच्छा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे यहाँ पर? या बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। सो आपने देखा इस तरह फ्रेंड्स ने यहाँ फीडबैक दिया, फैमिली के लिए भी ओके प्लेस है, एंड अगर आप फ्रेंड्स आते हैं तो भी ओके ही है। सो मेरे वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक करें। सब केजेस में तो नहीं बट कुछ कुछ केजेस में हम जैसे तो 11 केजेस तो हम लोग नहीं देख पाए, पर जो थे इस केज में बट लाइक नहीं करते हैं, आपके लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा, हाँ अच्छा कर रहा हूँ, या कुछ अगर कमियाँ हैं तो आप मुझे बाय कमेंट कह सकते हैं कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो जरूर से आप लोग बताएं, और ये फिर से एक बार कहना चाहता हूँ जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, बाहर आने के बाद एक और जगह बचा है, ये पार्क, इधर पार्क है बच्चों का। सो जाएंगे इधर पार्क देखेंगे क्या है क्या नहीं, पार्क देखते हैं चलिए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पार्क है बच्चों के लिए, इसमें झूला वगैरह और ट्रैम्पोलिन वगैरह है जिसमें बच्चे लोग थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए खासकर। बस इतना ही छोटा सा एरिया है और कुछ खास तो यहाँ पर है नहीं, और सामने में कैंटीन है, देखते हैं उधर क्या है। कैंटीन में ऑब्वियसली खाना वगैरह खा सकते हैं, और उस साइड आगे भी कुछ है, वहाँ पर बंद किया हुआ है उधर का एरिया को। सो इधर और एक है उधर जाने के लिए, बट ये बंद है शायद, उधर अभी जाना शायद कुछ काम चल रहा होगा तो इसलिए बंद है, उधर का एरिया अभी बंद किया हुआ है, बाकी जो था यही था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने पूरे मृग विहार यानी हिरन पार्क को एक्सप्लोर किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और पसंद आया तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं हम लोग किसी नए ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।